त्योहार तो बहुत सारे मनाए जाते हैं और त्योहार का मतलब होता है मिठाई। ऐसे ही त्योहारों के लिए अपने एक व्यूअर बीना शर्मा जी के सजेशन से मैं रश्मि आपके लिए लेकर आई हूँ इंडिया का बहुत ही पॉपुलर ओडिया स्वीट डिश। नाम तो आपने सुना ही होगा, रसमलाई। तो चलिए स्टार्ट। रसमलाई बनाने के लिए हमें चाहिए 2 लीटर दूध, जिसमें 1 लीटर दूध हम यूज करेंगे छेना फाड़ने के लिए। वैसे छेना और पनीर बनाने की रेसिपी मैंने डिटेल में और एक एपिसोड में बताया हुआ है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और 1 लीटर दूध से हम बनाएंगे रसमलाई का मलाई। उसके बाद हमें चाहिए 1/3 कप नींबू का रस, जिसमें हमने 2 नींबू का रस लिया है छेना फाड़ने के लिए। चीनी 1/2 कप मलाई में डालने के लिए। 10 केसर के धागे, जिनको हमने दूध में 3-4 घंटे पहले ही डाल के रख दिया था ताकि ये कलर छोड़ने लगे। इसके बाद हमें चाहिए 4 इलायची कुटी हुई, 10 पिस्ता लंबे और छोटे टुकड़ों में कटी हुई, 5 से 6 लंबी कटी हुई बादाम यानी आलमंड। चाशनी बबनाने के लिए हमें चाहिए 4 कप पानी और 1.5 कप चीनी। हमने 2 पैन गरम कर लिए हैं। 1 पैन में हम दूध को फाड़ के छेना बनाएंगे और दूसरे पैन में हम मलाई बनाएंगे। इसमें हल्का सा पहले पानी डाल देंगे ताकि ये जले ना दोनों में ही। अब हम दूध डालेंगे इसमें। मलाई बनाने के लिए हमें दूध को 50% यानी हाफ होने तक पकाना है, उसके बाद चीनी इलायची ये सब ऐड करेंगे। हमें बीच बीच में दूध को चलाना है। दूध को गाढ़ा करने के लिए भी जो हम दूध यूज कर रहे हैं उसको भी बीच बीच में चलाते रहना है। अभी छेना फाड़ने वाले दूध में हम लोगों का उबाल आ गया है, तो अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब हम धीरे धीरे इसमें नींबू का जो रस है वो डालेंगे और मिलाएंगे इस तरीके से। देखिए कैसे छेना फट गया है हमारा, और अब हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। देखिए हमारा दूध जो है वो गाढ़ा हो गया है और हमारा छेना जो है वो भी ठंडा हो गया है। तो पहले हम इस गाढ़े दूध में डालेंगे बाकी सारी सामग्रियां। पहले हम डालेंगे 1/2 कप चीनी, फिर हम इसमें इलायची डाल देंगे और पिस्ता और बादाम, सारी चीजें डाल देंगे। अब हम थोड़ा सा और इसको मिला लेंगे इस तरीके से, और हम तब तक इसे हीट करेंगे जब तक चीनी डिसॉल्व ना हो जाए। लगभग 1 मिनट इसे चलाने के बाद चीनी डिसॉल्व हो गया होगा। अब हम इसमें केसर डाल देंगे और फिर गैस बंद करके इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हमने गाढ़े दूध को ठंडा होने रख दिया है। अब हम चाशनी बनाएंगे। ये 4 कप पानी है, इसमें 1.5 कप चीनी मैं ऐड कर। अब हम इसे ढक देंगे और बॉयल होने तक इसे पकने देंगे, और अब हम अपना छेना सेपरेट कर देते हैं। अब हम अपने छेने को छान लेंगे। अब हम छेने को पोटली बना के छान लेंगे। पूरी तरह से हम नहीं निचोड़ेंगे, उससे पहले ही हम थोड़ा ठंडा पानी डाल देंगे ताकि लेमन का जो है फ्लेवर वो चला जाए, वरना वो खट्टापन रह जाएगा। हम ठंडा पानी इसमें डाल देंगे इस तरह से। ठंडे पानी से अच्छे तरीके से इसे धोने के बाद फिर से हम इसे निचोड़ के सारा पानी अलग कर देंगे। अब हमने सारा का सारा पानी इसमें से निचोड़ लिया है एज मच एज पॉसिबल। अब देखिए हमारा इस तरह से जो है छेना बन गया है। ये देखिए हमारा छेना बन गया है। इसे हम एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। ट्रांसफर करने के बाद हम अपने दोनों हाथों को अच्छे से धुल लेंगे, बिकॉज हमें हाथों से ही इसको मसलना है और स्मूथ करना है। इस तरीके से हम दोनों हाथों से इसे मसलना स्टार्ट कर देंगे। इसी तरीके से आपको मसलना पड़ेगा, लगभग 7-8 मिनट तक आपको मसलना पड़ेगा, जब तक ये एकदम से स्मूथ नहीं हो जाता। एकदम स्मूथ भी आपको नहीं बनाना है,
क्योंकि अगर आप एकदम स्मूथ बना देंगे ना उसमें आपको मैदा या अरारोट ऐड करना पड़ेगा और अगर आप मैदा और अरारोट ऐड करते हैं तो फिर वो थोड़ा सा उतना छेने का फ्लेवर नहीं आता पहली बात और दूसरी बात है आप इसे व्रत वगैरह में खा नहीं सकते मगर अगर आप अरारोट और मैदा ऐड नहीं करेंगे तो आप इसे आराम से व्रत वगैरह में खा सकते हैं तो मैं हमेशा बिना मैदा ऐड किए ही बनाती अब हम छोटे छोटे या बड़े बड़े जैसी आपकी मर्जी आप बॉल बना सकते हैं ये देखिए इस तरह से मैं बॉल बना दूंगी इस तरह के से बॉल बना दूंगी और फिर हल्के से इसको ऐसे दबा दूंगी ये देखिए छेने के बॉल्स हमने बना लिए हैं अब हम इसे उबलते हुए चाशनी में डालेंगे देखिए चाशनी हमारी उबल रही है अब हम एक एक करके धीरे धीरे से हमारे छेने के बॉल्स इसमें डाल देंगे अब हमने सारे छेने के बॉल्स इसमें डाल दिए हैं अब हम इसे ढक देंगे लगभग 8 मिनट हो चुके हैं और अभी हमारे छेने के बॉल्स फूल गए हैं अब हम बंद कर देंगे गैस को उनको जो ठंडी हमने मलाई कर दी थी बना के उसमें एक एक करके इस तरीके से डाल देखिए कितने अच्छे छेने के बॉल्स बने हैं बिना किसी मैदे या अरारोट के ऐड किए हुए ये देखिए हमने सारे के सारे छेने के बॉल्स इसमें डाल दिए हैं और हमारी रसमलाई बनके तैयार हो गई है बहुत ही इजी है ना दोस्तों ये देखिए हमारी रसमलाई बनके रेडी हो गई है इसे आप किसी भी त्योहार में किसी भी खुशी के मौके पे बना के घर पे ही एंजॉय कर सकते हैं तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी रसमलाई आप इसे ट्राई जरूर कीजिए और अगर आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक भी कीजिए और दूसरों से शेयर भी कीजिए और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अगले एपिसोड में मैं आपके सामने हाजिर होंगी एक और नए रेसिपी के साथ